ये कहानी एक 15 साल की लड़की की है जो पहली बार किसी के साथ जन्नत की सैर करती है और फिर उसके सर पर ये सब करने का भूत सवार हो जाता है। फिर उसके साथ क्या क्या होता है जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। मूवी की शुरुआत में हम 15 साल की मेलिसा को देखते हैं। मेलिसा अपनी मॉम और अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। मेलिसा और उसकी मॉम की आपस में ज्यादा बनती नहीं थी, इसीलिए वो अपनी ग्रैंड मदर के बहुत करीब थी। उसकी ग्रैंड मदर को सिगरेट पीने की आदत थी। एक सुबह मेलिसा खुद को टच कर रही थी, लेकिन तभी उसकी मॉम जाती हुई मेलिसा को देख लेती है और वो खुद को रोक लेती है। फिर मेलिसा डैनियल के घर जाती है। डैनियल मेलिसा का क्लासमेट था और आज उसके घर पार्टी थी। आज वो बहुत नर्वस थी क्योंकि वो डैनियल को बहुत पसंद करती थी, पर डैनियल ने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। डैनियल के घर कई दोस्त स्विमिंग कर रहे थे। ये देखकर मेलिसा भी स्विमिंग करने जाती है। जब वो उसके पास जाकर बैठती है तब डैनियल उसे पानी में खींच लेता है, लेकिन मेलिसा को स्विमिंग करना नहीं आता था। जब इस बात का पता डैनियल को चलता है तब वो उसे पकड़कर किनारे तक ले आता है और फिर मेलिसा से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और ये सुनकर मेलिसा डर जाती है कि आखिर ये क्या दिखाने वाला है, पर वो गार्डन दिखाता है। अब यहाँ डैनियल मेलिसा से कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग करना सिखाऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें हर रोज यहाँ अकेले आना होगा। ये सुनकर मेलिसा खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। इसके बाद ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ मेलिसा डैनियल को बताती है कि वो अभी भी वर्जिन है। मेलिसा की बातों से डैनियल को पता चल जाता है कि मेलिसा उससे प्यार करती है और वो इसी चीज का फायदा उठाता है, और इस चीज के लिए मेलिसा भी मना नहीं करती क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती थी। मेलिसा की छुट्टियां अब खत्म हो गई थी और आज उसका स्कूल में पहला दिन था जहां स्कूल में मेलिसा डैनियल का वेट करती है, पर वो नहीं आता। असल में उस दिन के बाद डैनियल कभी मेलिसा से मिला ही नहीं और ना ही कभी उसने कॉल किया था। मेलिसा की दोस्त मेलिसा को बताती है कि तुम उसे भूल जाओ, पर वो उसकी बात नहीं मानती। वो अपनी बुक में डैनियल के बारे में लिखती है कि वो कभी उसे माफ नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद मेलिसा की फ्रेंड मेलिसा को बताती है कि डैनियल एक क्लब में है, और तभी वो दोनों उस क्लब में जाते हैं जहां कई दिनों बाद मेलिसा डैनियल को देखती है। डैनियल भी उसे देख लेता है और उसके पास आता है, जहां वो उससे कहता है कि अब तुम काफी बड़ी हो गई हो। इसके बाद वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तभी वहां डैनियल का एक दोस्त आता है और वो मेलिसा की तारीफ करने लगता है। ये सुनकर डैनियल भी मेलिसा की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसे कहता है कि वो उसे अकेले में बात करना चाहता है। तभी मेलिसा भी उसके साथ चली जाती है। डैनियल उसे अपने घर ले जाता है, जहां वो दोनों फिर से जन्नत की सैर पर निकल पड़ते हैं, और मेलिसा कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन डैनियल उसे कहता है कि तुम पागल हो क्या। दरअसल डैनियल बस उसका फायदा उठाना चाहता था। इस इंसिडेंट के बाद मेलिसा पूरी तरह से बदल जाती है। डैनियल ने उसे बहुत हर्ट किया था, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी लोगों के साथ ठीक ऐसा ही करेगी। अब इसके बाद मेलिसा के ग्रैंड मदर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इसलिए मेलिसा की मॉम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहती थी, पर ये मेलिसा को गलत लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ उसे उसकी ग्रैंड मदर से दूर करना चाहती है। इस बात पर मेलिसा और उसकी मॉम की बहस हो जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जा रही थी तब वो काफी उदास होती है, जिस वजह से सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर एक मार्को नाम का लड़का उसकी फीलिंग्स समझ रहा था। स्कूल के बाद मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ कॉफी शॉप पर जाती है, जहां एक आदमी उसे देखने लगता है। तब मेलिसा अपने फ्रेंड से कहती है कि देखो कैसे वो उसे अट्रैक्ट करेगी। जैसे ही वो आदमी उनके पास आकर बैठता है वो उठकर वहां से चली जाती है। उसने ये तय किया था कि अब वो बस लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलेगी। जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर उसके घर आई है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है, पर जब उसकी ग्रैंड मदर मेलिसा को देखती है तब वो समझ जाती है कि मेलिसा अब काफी बदल गई है। वो ये बात मेलिसा की मॉम को भी बताती है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मेलिसा की ग्रैंड मदर खुद मेलिसा को समझाती है। इसके बाद मेलिसा को डैनियल का कॉल आता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। डैनियल उसे कहता है कि वो उसे काफी मिस कर रहा है, और मेलिसा पहले का सब कुछ भूलकर उसके पास चली जाती है, जहां वो दोनों मिलते हैं और किस करने लगते हैं। अब डैनियल मेलिसा को आंखें बंद करने को कहता है। जब मेलिसा आंखें बंद करती है तभी डैनियल अपने दोस्त को बुलाता है और उसका दोस्त जाकर मेलिसा को किस करने लगता है। दरअसल डैनियल मेलिसा को अपने दोस्त के साथ घोड़ी बनवाना चाहता था, पर मेलिसा गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। डैनियल उसे मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती, लेकिन कुछ देर बाद मेलिसा उसके फ्रेंड को किस करने लगती है और वो उसके फ्रेंड के साथ घोड़ी बनने के लिए मान जाती है।
ऐसा करके या तो वो डैनियल को जलाना चाहती थी या फिर वो उसके फ्रेंड को ट्राई करना चाहती थी। अगले दिन वो ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है और ये सुनकर उसकी दोस्त उसे डांटती है, उसे ऐसी चीजों से दूर रहने को कहती है। पर मेलिशा को इन सब से काफी खुशी मिली थी और वो वेबसाइट पर अपना अकाउंट ओपन करती है ताकि वो अपनी बातें सबके साथ शेयर कर सके। एक दिन स्कूल में उन्हें साइंस म्यूजियम में ले जाया जाता है। जब वो वहाँ बैठी होती है तभी उसके पास एक आदमी आकर बैठता है जो इस म्यूजियम में काम करता था। अब यहाँ मेलिशा उसके साथ भी पलंग तोड़ लेती है। मेलिशा अपनी सारी प्राइवेट बातें अपनी बुक में लिखती थी। जब एक दिन वो स्कूल जाती है तब वो देखती है कि उसकी प्राइवेट बुक सारे लोग पढ़ रहे थे। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने फ्रेंड को बहुत डांटती है। जब वो घर जाती है तब वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर को अपना जीवन साथी मिल गया है और ये देखकर उसे भी अंदर ही अंदर ऐसा फील होता है कि काश उसे भी कोई ऐसा मिले जो उसे बहुत प्यार करे। अगले दिन स्कूल के बाद जब मेलिशा घर जा रही थी तभी पीछे से उसकी फ्रेंड आती है और उसे उस चीज के लिए माफी मांगती है, पर मेलिशा उसे इग्नोर कर देती है। वहीं पास में ही एक लड़का मेलिशा को देख रहा था। उसका नाम मार्क था और वो मेलिशा को बहुत पसंद करता था, पर मेलिशा ने उसे कभी ज्यादा भाव नहीं दिया। वो मेलिशा से बात करने के लिए उसके पास आता है, पर तभी मेलिशा को डैनियल के फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तब वो उसे एक बंकर में ले जाता है। पहले तो मेलिशा मना कर देती है पर वो उसे किसी तरह से मना लेता है। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बंकर के अंदर ले जाता है जहां और भी लड़के थे। वो सभी मेलिशा को किस करने लगते हैं। मेलिशा भी उन्हें मना नहीं करती और सबके साथ बारी बारी से एक के बाद एक इंटीमेट होती है। ये सभी वही लड़के थे जो उस दिन डैनियल के घर के स्विमिंग पूल में थे। जब वो स्कूल जाती है तब सभी स्टूडेंट उसे ही देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर मेलिशा अंदर ही अंदर सोचती है कि जो उसने किया है उसे उस बात का कोई पछतावा नहीं है और वही सही है। एक दिन मेलिशा की मॉम मेलिशा के कमरे में जाती है जहां वो उसकी डायरी पढ़ लेती है और इसके बाद वो मेलिशा के बारे में सब कुछ जान गई थी और मेलिशा को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठा रही थी। दरअसल वो एक आदमी के घर गई हुई थी। मेलिशा की मॉम ये बात मेलिशा की ग्रैंडमदर को बताना चाहती है पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर उसे बहुत हर्ट होता है। जब मेलिशा वापस आती है तब उसकी मॉम उसे उस डायरी के बारे में पूछती है। तब मेलिशा कहती है कि हाँ ये सब सच है, और ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत हर्ट होता है। उसे पछतावा हो रहा था कि वो उसका ख्याल नहीं रख पाई। उसकी मॉम उससे माफी भी मांगती है। तो वहीं दूसरी तरफ मेलिशा को भी गिल्टी फील होता है। कुछ टाइम बाद जब वो स्कूल जाती है तब वो देखती है कि डैनियल अपने दोस्तों से लड़ रहा था क्योंकि उसी की वजह से मेलिशा सभी लड़कों के साथ संबंध बनाई थी। तभी डैनियल मेलिशा को देख लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर अब मेलिशा उसे जरा भी भाव नहीं देती। एंड में हम देखते हैं कि मेलिशा की लाइफ अब चेंज हो गई थी। वो अपनी मॉम के साथ बहुत खुश थी और अपनी लाइफ को जी रही थी, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।